मेरा पूरा परिवार किसान है सर, और वो अपना जमीन नहीं है, बटैया मंझैया लेकर पूरा परिवार करते हैं। और उसके बाद मेरा गेहूं हुआ था 400 बोरा, फिर वो नहीं ले रहे थे, आपदा आया, मैंने मौसम खराब हो गया था, खलियान में रह गया। इसके लिए तो निर्धारित जी, इस बार तो बहुत ज्यादा हम लोग करवाए हैं ना, पहली बार शुरू करवाए हैं गेहूँ जी, जी। और गेहूँ वाले में तो जो तरह के जो लोग दोनों का लिया जाता है, तो आपको समस्या क्या है? मुझे अपना नहीं है, गेहूँ दिए अरे व्यापार मंडल में सर, गए वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर हमको डांट के व्यापार मंडल में गए थे, वहाँ पर नहीं लिया गेहूँ। और उसके बाद बोले जाओ जहाँ जाना जाओ, डीसीओ साहब के पास गए, डीसीओ साहब के पास गए तो वहाँ भी धमकी मिलने लगा, गेहूँ मेरा खरीदारी वगैरह नहीं किया, सबको कहा गया है, बारिश के कारण मेरा गेहूँ सड़ गया खलिया में। अच्छा, तो आपका कोई पैक्स वाला नहीं था? पैक्स वाला आप व्यापार मंडल में गए? जी व्यापार मंडल में गए थे, फैक्स में भी गए थे, तो वहाँ पर फोन कहीं नहीं लेने। शेखपुरा जिला के कौन पंचायत? शेखपुरा जिले में कौन पंचायत है आपका? जगदीशपुर पंचायत है जी, बरबीघा में है जी। जी जी सर, जरा इसको भेजिए तो इनको सहकारिता विभाग को सुनने के लिए। बहुत तो बार प्रयास किए नहीं लेने के लिए, एकदम मना कर दिया। अरे गेहूं की खरीद हो रही थी हाँ, तो ये जो नौजवान आए हैं ये बता रहे हैं कि ये इन लोगों का लिया नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ? और ये दोनों तरफ गया था, पैक्स में भी गया था, फिर आपको व्यापार मंडल में भी गया, जिसका गेहूं क्यों नहीं लिया? जरा पूरी बात को समझिए। आई